सो गाइस, आप में से काफी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी वीडियोस पर व्यूज अभी भी नहीं आ रहे हैं। गाइस देखो, अगर आप लोग मेरे #31 विद अभी के साथ जुड़े हुए हो तो गाइस 31 दिन आप मुझे दो जनवरी के आपका चैनल यूं ग्रो करवा दूंगा, आपके व्यूज भी आने लग जाएंगे। क्योंकि इन जो 31 दिनों में जो कॉन्टेंट आ रहा है ना, वो नेक्स्ट लेवल आ रहा है। डे 1 से लेकर अभी डे 6 चल रहा है, डे 6 की ये वीडियो है। आप लोग देख सकते हो कितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आ रही है, और आज की ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपके व्यूज बढ़वा देगी, इतनी गारंटी है। बस इस वीडियो को कंटिन्यूस शुरुआत से लेकर एंड तक देखो। देखो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगी। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी का चैनल तो फटाफट से यार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चले गए आज के इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को सारी चीजें ओवरऑल एक एक करके समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को डिटेल में अच्छे से समझिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो मेन गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बताने वाला हूँ कि आप में से काफी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। तो व्यूज आते कैसे हैं गाइस, वो लाइक कैसे जाते हैं, मैं खुद का चैनल का एग्जांपल लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर आप लोगों को ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपके लिए परफेक्टली तरीके से काम करेंगी। तो सबसे पहले गाइस, मैं अपने चैनल अभी राठौर पर आ चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ ओल्डेस्ट वाले सेक्शन पर, ठीक है। ओल्डेस्ट वाले सेक्शन पर गया, जो कंडीशन मेरे उस समय मेरे साथ हो रही थी वो कंडीशन आपके साथ आज हो रही है, ठीक है। कौन सी कंडीशन? व्यूज ना आने की। मेरे साथ भी नहीं आते थे। आखिरकार मैं अपनी वीडियोस पे व्यूज कैसे लाया, मैं फाइव फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। वो फॉर्मूला आपको तब पता लगेगा जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, लेकिन वो फॉर्मूला मैं आज ही आपको बता रहा हूं। यानी कि जब आपका चैनल ग्रो होगा तब जो चीज आपको पता लगेगी वो एक्चुअल में आपको आज ही पता लग रही है। तो फॉलो कर लो और अपने चैनल को ग्रो कर लो। हाँ भाई, ये इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। जब आप इस तरीके को पूरा समझ लोगे ना, तो ऐसे अपने चैनल को ग्रो कर लोगे, ऐसे व्यूज बढ़ा लोगे। चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट करी है 3 साल से, तो यहाँ पर आप लोग वीडियोस पे व्यूज देख सकते हो। किसी किसी वीडियोस पर व्यूज आना स्टार्ट हो गए थे। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, व्यूज ना के बराबर आ रहे थे। यहाँ पर देखो, जैसे ही नीचे जाऊंगा 799, 561, 391 व्यूज नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर मैंने कुछ टेक्निक्स को अप्लाई किया था। आप लोग व्यूज देख सकते हो यहाँ पर 1.2K इस तरीके से। किसी किसी वीडियोस पर नहीं आ रहे थे, फिर आना स्टार्ट हो गए थे। देखो 16K, 3.6K, 1.4K, और ये उस समय ये वीडियोस मेरी रैंक करी थी। जैसे कि ये IAS वर्सेस IPS वाली मेरी वीडियो रैंक कर गई थी, ठीक है। हाउ टू मेक थंबनेल, उस समय वीडियो रैंक कर गई थी जब मेरे चैनल पर 10 या 20 ही सब्सक्राइबर थे। तो कैसे मैंने अपनी वीडियोस को रैंक करवा लिया था, कैसे अपनी वीडियोस को लोगों के सजेशन में पहुंचा दिया था, और कैसे मैं अपनी वीडियोस को आगे लेके गया था, रीच लाया था अपनी वीडियोस पे, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो फॉर्मूले को समझ लो, आपके व्यूज बहुत तगड़ी तरीके से बढ़ने वाले हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पर साइड में प्रूफ देख सकते हो, ये जो वीडियोज है ना, यही वीडियोज है। आपके साथ होता क्या है, आपके व्यूज क्यों नहीं आते? सबसे पहला फैक्टर ये है आपके थंबनेल्स। गाइज आपके थंबनेल्स अभी अच्छे नहीं बन रहे हैं, जैसा ऑडियंस आती है वैसा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। क्यों? मैं आपको रीजन समझाता हूँ। आप लोग मेरे भी जब थंबनेल्स यहाँ पर देखोगे कितने ज्यादा नॉर्मल बन रहे हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने रखा है इंस्टेंट सब्सक्राइबर विद प्रूफ, नहीं चलने वाला भाई। इसी वजह से इस वीडियो पे इतने कम व्यूज आए हैं। लोगों को नहीं पसंद। लोगों को पसंद कैसा था, जैसे कि यहां पर आप जैसे मेरी पॉपुलर वीडियो में जाओगे, यहां पर सब्सक्राइबर वाला एक थंबनेल देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं अभी प्रूफ, ठीक है। यहाँ पर देखो, लोगों को ऐसा थंबनेल पसंद आ रहा है, जैसे कि 200 सब्सक्राइबर 2 मिनट में, 1K सब्सक्राइबर 10 मिनट में, जो मैं इफेक्टिव तरीके बताता हूँ, लोगों को ऐसे थंबनेल पसंद आ रहे हैं, मेरे व्यूज आने स्टार्ट हुए। मैं लेकिन तब के समय पर कैसे थंबनेल बना रहा था, ऐसे नॉर्मल थंबनेल्स बना रहा था जो लोगों को, मतलब बहुत मामूली लोगों को पसंद आ रहे थे। तो अभी आपके साथ क्या हो रहा है, आप ऐसे थंबनेल्स बना रहे हो, और तब मुझे लाइंस भी लिखना नहीं आता था। आप लोग लाइंस देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, फाइंड वायरल टैग्स हियर, नॉर्मल लाइंस है यार। कोई बंदा आज की डेट में इन लाइंस पर क्लिक नहीं करता। जब तक मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्लिकबेट लाइन नहीं लिखूंगा, लोग बाग क्लिक नहीं करते हैं। और यही रीजन है मैं यहां पर क्लिकी लाइंस नहीं लिखता था, व्यूज नहीं आते। आपके साथ क्या हो रहा है, आप नॉर्मल थंबनेल बना रहे हो, आप कलर ग्रेडिंग कर नहीं रहे। मुझे भी पहले कलर ग्रेडिंग नहीं आती थी, मैं नॉर्मल थंबनेल्स को बना के इसी तरीके से थोड़े बड़े व्यूज ले आता था। लेकिन आज की डेट में कलर ग्रेडिंग भी आती है, आज की डेट में लाइंस लिखना भी आती है। इस वजह से मैं अपनी वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज भी ले आता हूं। जब मेरे पॉपुलर वाले सेक्शंस पे आप जाओगे तो आपको ये क्लियरली विजिबल होगा कि हाँ भाई, थंबनेल में अब इंप्रूवमेंट है आपके, और दैट्स व्हाई आप वीडियोस पे व्यूज ला रहे हो। और मैंने हमेशा ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थंबनेल्स बनाए हैं। मुझे मालूम था ऐसे वाले थंबनेल्स चल रहे हैं, जैसे कि ऊपर एक लाइन, बीच में प्रूफ, बीच में एक लाइन लिख देनी है और नीचे एक लाइन लिख देनी है, ऐसे थंबनेल्स बहुत चल रहे हैं। तो ऐसे थंबनेल्स को मैंने बहुत ज्यादा दिन भी फॉलो किया है। आप लोग यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पर देखो ऐसे वाले थंबनेल्स ही आपको यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि ये मेरे लिए काम कर रहे थे। मैंने उस समय उन्हीं थंबनेल्स को काम पर लगाया और वो मेरे लिए बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करे। सबसे पहला मेथड तो ये है कि आपको अपने थंबनेल में गाइस ऐसा काम करना है जिससे आपके व्यूज बढ़ेंगे। कैसा काम करना है, आपको क्लिकी लाइंस लिखना सीखना है। यानी कि जो भी टॉपिक आप बना रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या क्लिकी लाइंस हो सकती हैं जिससे व्यूअर का अटेंशन स्पेन ग्रैप आप कर सको और व्यूअर उस पर क्लिक कर दे, तो वो लाइंस आपको एड ऑन करनी है अपने थंबनेल्स में, तब आपके व्यूज आने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि यहाँ पर थंबनेल्स पर अच्छे खासे क्लिकी लाइन लिखनी है। दूसरा,
जब मैं जाता हूँ अपने ओल्डेस्ट वाले सेक्शन पे और मैं आप लोगों को जब वीडियोस दिखाता हूँ, तो गाइज मैंने यहाँ पर ऐसे कीवर्ड्स पर फोकस किया जिस पे बड़े बड़े यूट्यूबर काम कर रहे थे। लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे होता है, काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस पे काम कर रहे हैं, वायरल टेक्स्ट कैसे पता करें, बड़े बड़े यूट्यूबर्स इन कीवर्ड्स पे काम कर रहे थे। मैं तब था क्या छोटा यूट्यूबर, यानी कि मेरे 10-20 सब्सक्राइबर होंगे। तो ऐसे कीवर्ड्स पे काम करने से क्या हो रहा था, मेरी वीडियो ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही थी। और ये आज की डेट में आपके साथ क्या हो रहा है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, जैसा एक मेन कीवर्ड है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मेन कीवर्ड है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स उस पर काम कर रहे हैं, आप भी उस कीवर्ड के पीछे लग जाते हो भाई, वो शॉर्ट टेल कीवर्ड है, वहाँ पर आप रैंक ही नहीं करवा पाओगे क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर ऑलरेडी उन पर बहुत अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस है उनका, उस कीवर्ड पर बहुत अच्छी खासी ऑडियंस लेके बैठे हैं, आप उस कीवर्ड पर काम करते हो उस पर आपको रिजल्ट ही नहीं मिलता, दैट्स व्हाई आप कहते हो भाई हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट मिलेगा कैसे भाई, आप कौन से कीवर्ड पर काम कर रहे हो यार, ऐसे कीवर्ड पर काम करो ना जिस पर आपको रिजल्ट ऐसे मिलेगा चुटकियों में, आपने अपने डिस्क्रिप्शन टैग्स में और टाइटल में डाला, तुरंत के तुरंत उस कीवर्ड पे आपकी ऑडियंस आ जाएगी, उस कीवर्ड पे आपकी वीडियो पहुंच जाएगी। ऐसे कीवर्ड्स आप डालते ही नहीं हो, ऐसे कीवर्ड जब से मैंने डालना स्टार्ट किया आज की डेट में भी, आप लोग मेरी रीसेंट वीडियो देख सकते हो, मैं यहाँ पर वही टॉपिक, वही टाइटल, वही कीवर्ड डालता हूँ जो मेरे लिए काम करता है। मैं किसी को भी कॉपी नहीं करता कि भाई उसका कीवर्ड है मैंने ले लिया, नहीं भाई, जो कीवर्ड मेरे लिए काम करेगा, जिस कीवर्ड पर सर्च वॉल्यूम अच्छा है, जिससे मुझे लगता है ऑडियंस आ सकती है, मैं उस कीवर्ड पर फोकस करता हूँ। और मैं हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, जैसे कि देखो शॉर्ट्स वीडियो वायरल कैसे होगा, अच्छा खासा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मैं ऐसे पर काम करता हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पर आप काम करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, थंबनेल अच्छा बनाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि गाइज आपको अपनी वीडियोज़ में मेन इंपॉर्टेंट है एंगेजमेंट तो लाना ही होगा। नया चैनल है, एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, इसी वजह से आपके व्यूज़ नहीं आ रहे। अब मैं पॉपुलर वाले सेक्शन में आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, जैसे एक साल पहले एक वीडियो डाली है 4.5 मिलियन आई है, इस पर जो भी व्यूज़ आए हैं ना, ये किस वजह से आए हैं, ये गाइज आए हैं यहाँ पर एंगेजमेंट इसमें आया है। अब मैं किसी का भी क्रिएटर का यहाँ पर एग्जांपल दिखा दूंगा तो उसमें एंगेजमेंट ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि गाइज मैंने यहाँ पर डाला सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, आपके सामने डाला, तो यहाँ पर जो ये वीडियोज़ आ रही है ना जिन भी क्रिएटर्स की, तो गाइज इनकी वीडियोज़ पर एंगेजमेंट हाई आ रहा है। यहाँ पर मेरी भी वीडियो आ रही है तो इसका मतलब मेरी वीडियोज़ पर एंगेजमेंट, यानी कि 8 मिनट की वीडियो है, 8 मिनट 50 सेकंड की, एंगेजमेंट ज़्यादा आ रहा है, तो लोग बाग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, इस वजह से इस वीडियो पर व्यूज़ आ रहे हैं। अब जैसे कि इस भाई की वीडियो है 6 मिनट 36 सेकंड की, शॉर्ट लेंथ की वीडियो, यानी 6 मिनट काफ़ी कम है, मैंने जैसे 8 मिनट की बनाई और क्रिएटर्स ने 10 मिनट की बनाई, उससे इनकी कम है ना, तब भी इनकी वीडियोस पे व्यूज क्यों आए हैं, क्योंकि लोगों का एंगेजमेंट आ रहा है, लोग बाग 4 से 5 मिनट इनकी वीडियोस को कंटिन्यूअस देख रहे हैं, और जब जब कंटिन्यूअस देखेंगे ग्रोथ तो उनको मिलेगी ही मिलेगी भाई, क्यों नहीं मिलेगी। तो मेन है आपको अपना एंगेजमेंट सुधारना है, अपना एंगेजमेंट सुधार लो, एंगेजमेंट ले आओ अपनी वीडियोस में, आपके व्यूज कहीं नहीं गए, आपके व्यूज आएंगे डेफिनेटली, आपकी वीडियोस पर ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होगी। तो मेन चीज़ें मैं आपको समझाना क्या चाहता था, मेन चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई गए हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको फोकस किस पर करना है, अपने थंबनेल पर फोकस करना है, स्टार्ट करो, कलर ग्रेडिंग सीखो मेन इंपॉर्टेंट है, सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने वीडियोस का एंगेजमेंट बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड अपनी वीडियोस के टाइटल में, टैग्स में, कीवर्ड्स में ऐसे कीवर्ड्स डालो जो आपके लिए इफेक्टिव तरीके से काम करें। ऐसा मत करो कि बड़ा यूट्यूबर जिस पे कर रहा है वही कॉपी पेस्ट कर दिया, उस कीवर्ड पे आप नहीं करवा पाओगे भाई, क्योंकि बड़ा यूट्यूबर ऑलरेडी उस कीवर्ड पर हजारों वीडियो अपने चैनल पर बना चुका है, बना रहा है ऑलरेडी दिन पे दिन, तो आप वहां पर रैंक नहीं करवा पाओगे। आप रैंक ऐसे कीवर्ड पर करवा पाओगे जिस पर आपको लग रहा है कि इस पर ऑडियंस आएगी, लॉन्ग टेल कीवर्ड पकड़ो, उस पर काम करना स्टार्ट करो, लगातार वीडियोस अपलोड करो, वही कीवर्ड आपका बन जाएगा, उसी कीवर्ड पर आपकी वीडियो रैंक करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो गाइज ये थे आज की कंप्लीट वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलता हूँ ऐसे किसी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।